हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बच्चे, आज हम करेंगे एक्सरसाइज फोर्थ। कल हमने एक्सरसाइज थर्ड की थी ना, आज हम करेंगे एक्सरसाइज फोर्थ। इसका फर्स्ट क्या है बच्चे, इसमें क्या है? पहले इसकी हम क्या देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजन देख लेते हैं इसकी। पहले, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय वन, द क्वेश्चन इज द नंबर इटसेल्फ। ये कह रहा है बच्चे, जब किसी नंबर को वन से डिवाइड किया जाता है तो वो नंबर जो क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन जो हमारा आंसर आएगा तो वो नंबर ही होगा जो हमारा क्वेश्चन आएगा, जो आंसर में हमारा जो नंबर आएगा वो यही नंबर होगा अगर किसी नंबर को हम वन से डिवाइड करेंगे। व्हेन अ नंबर एक्सपेक्टेड जीरो इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, किसी नंबर को हम उसी नंबर से ही डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि 826 है, इसको हमने 826 से ही डिवाइड कर दिया, द क्वेश्चन इज वन, तो हमारा क्वेश्चन क्या आएगा बच्चे, वन आएगा। जैसे कि ये देखो, 826 को हमने 826 से ही मल्टीप्लाई से ही डिवाइड कर दिया, तो हमारा क्वेश्चन क्या आएगा बच्चे, ये क्वेश्चन होता है ना यहाँ पे, होता है जो आंसर आता है हमारा, तो हमारा क्वेश्चन क्या आएगा, वन आएगा। चाहे वो जीरो से ही, चाहे वो नंबर जीरो ही क्यों ना हो, डिवाइडेड वन जीरो सॉरी वन अ नंबर एक्सपेक्टेड जीरो इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, चाहे वो जीरो से ही डिवाइड क्यों ना किया जाए, तो नंबर क्या है जीरो, चाहे वो नंबर जीरो ही क्यों ना हो तो भी क्वेश्चन क्या आएगा बच्चे, वन ही आएगा। थर्ड वन क्या है बच्चे, व्हेन जीरो इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर, जब हम किसी भी नंबर को जीरो को डिवाइड करते हैं किसी नंबर से, तो क्वेश्चन क्या इज ऑलवेज जीरो, तो जीरो ही आता है आंसर में बच्चे, जब किसी नंबर को जीरो से डिवाइड किया जाता है, जीरो इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर, जब यहां पर जीरो होती है, देखो जीरो इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर, जैसे ये देखो 40, जीरो से किसी नंबर को डिवाइड, जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा बच्चे जीरो ही आएगा। ओके बच्चों, देखो इससे हमारा सम फर्स्ट सम इजी हो जाएगा। देखो फर्स्ट सम में है ना, फिल इन द ब्लैंक्स, जब ये देखो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, नंबर क्या दिया हुआ है, 12,547 डिवाइडेड बाय 1 दिया हुआ है ना। जब हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है बच्चे, सेम आता है ना, सेम ही हमने फर्स्ट प्रॉपर्टीज में राइट देखा था, तो ये हमारा नंबर, ये जो नंबर है यही हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, इट मीन्स यही हमारा आंसर आ जाएगा। 87,450 डिवाइडेड बाय 87,450, जब हम किसी नंबर को किसी सेम नंबर उसी नंबर से ही डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है बच्चे, वन। जीरो डिवाइडेड 99,999, अब हमने थर्ड प्रॉपर्टी में देखा था, जब हम किसी भी, देखो थर्ड प्रॉपर्टी में देखा था ना, जब हम किसी भी नंबर को जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है बच्चे, क्या आता है, किसी भी नंबर से जीरो को डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, जीरो। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, जीरो। डी में क्या है बच्चे, फिर ब्लैंक दिया हुआ है, डिवाइड, यहाँ पर ओनली ब्लैंक है, यहाँ पर ब्लैंक है, डिवाइडेड बाय 35, आंसर क्या है बच्चे हमारा, जीरो। जब हम किसी भी नंबर को जीरो से, किसी भी नंबर को हम क्या करते हैं, जीरो को डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से तो हमारा आंसर क्या आता है बच्चे, जीरो आता है ना। अब यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, जीरो कब आया होगा, जब यहाँ पे 35 को यहाँ पे क्या हमारा क्या रहा होगा, यहाँ पर जीरो रहा होगा ना, तभी हमारा आंसर यहाँ पे जीरो आया है। जीरो से डिवाइड, 35 को जीरो, जीरो को 35 से डिवाइड किया होगा तभी हमारा आंसर क्या है बच्चे, जीरो आया है। नेक्स्ट सम देखो, सेकंड सम, फाइंड अ नंबर विच व्हेन डिविडेंड बाय 35 गिव्स द क्वोशेंट
25 एंड रिमाइंडर 14, ये कह रहा है बच्चे फाइंड अ नंबर, हमें वो नंबर फाइंड करना है जिससे वो नंबर फाइंड करना है जिसको हमने डिवाइड करना है डिवाइडेड बाय 35, जो नंबर 35 से डिवाइड होगा क्वेश्चन 22 आ जाएगा, रिमाइंडर 45 आ जाएगा। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डिविजर कौन सा होता है, डिविडेंड कौन सा होता है, डिवाइजर कौन सा होता है, रिमाइंडर और क्वेश्चन क्या होते हैं, ये देखो। यहाँ पे देखो बच्चे, ये क्या होता है बच्चे हमारा डिविडेंड, ये क्या होता है डिवाइजर, ये क्या होता है हमारा क्वेश्चंट, ये क्या होता है जब हमारा यहाँ पे बच जो आंसर आ जाता है वो क्वेश्चन होता है, जो हमारे यहाँ पे बच जाता है लास्ट में वो क्या होता है बच्चे रिमाइंडर, ये क्या होता है डिविडेंड, ये क्या होता है डिवाइजर। अब हमें क्या देखना है बच्चे, इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड अ नंबर, एक नंबर फाइंड करना है विच वहन डिवाइडेड बाय 35 से जो डिवाइड, ये क्या है बच्चे हमारा डिवाइजर है, अभी हमारा 35 से डिवाइड करना है उस नंबर को, वो नंबर हमें फाइंड करना है जिसको हम 35 से डिवाइड करेंगे। क्या कैसे फाइंड करेंगे, हमें क्या फाइंड करना है, डिविडेंड फाइंड करना है ना, देखो डिविडेंड फाइंड करने का, डिविडेंड फाइंड करना है, डिवाइजर हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन भी दिया हुआ है, रिमाइंडर भी दिया हुआ है। देखो डिविडेंड फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। कैसे फाइंड करेंगे, देखो डिविडेंड फाइंड करना है, डिवाइजर हमें दिया हुआ है, डिवाइजर क्या दिया हुआ है 35, ये रहा डिवाइजर, इस नंबर से इस नंबर से करेंगे ना डिवाइड, हमें ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, आगे समझ बच्चे, ये हमें दिया हुआ है 35, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है और रिमाइंडर भी हमें दिया हुआ है, तो हमें फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है ना डिविडेंड। डिविडेंड कैसे फाइंड करेंगे, डिविडेंड फाइंड करने का फॉर्मूला होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ये आपको फॉर्मूलाज याद रखने हैं बच्चे, डिविजर क्या डिवाइजर क्या है हमारा 35, मल्टीप्लाई क्वेश्चन क्या है बच्चे हमारा, क्वेश्चन क्या है ये देखो 22, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में 22, प्लस में क्या है रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है बच्चे हमारा 14, सेकंड सम कर रहे हैं ना, सेकंड सम में ये रिमाइंडर क्या है 14, यहाँ पर प्लस में क्या हो जाएगा 14। 35 को अब हमने डिविडेंड निकालने के लिए फॉर्मूला में क्या हमने पुट कर दिए ना ये नंबर्स, 35 मल्टीप्लाई 22 कर देंगे पहले, 35 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चे 770 प्लस 14, यहाँ पर प्लस में 14 राइट कर देंगे, 770 में 14 ऐड कर देंगे तो बच्चे क्या हो जाएगा 784 इज आवर आंसर। आगे समझ गया आपने, 35 को 22 से मल्टीप्लाई करके देखना है अलग से बच्चे, उसके बाद यहाँ पे आप आंसर राइट कर दोगे, ये आगे समझ बच्चे। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 3699 when divided by a certain number gives 231 as a quotient, 3 as a reminder। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, इसमें हमें वो नंबर फाइंड करना है जिससे हमने डिवाइड किया है, अब डिविडेंड तो हमें दिया हुआ है, हमने डिवाइजर फाइंड करना है। देखो हमने क्या फाइंड करना है, यहाँ पे ये देखो 3699 जिसको डिवाइड करना है, वो नंबर तो हमें दिया हुआ है, जिससे डिवाइड करना है ये नंबर हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 231, टू थर्टी वन हमें क्वेश्चन दिया हुआ है,
डिविडेंड भी हमें दिया हुआ है, डिवाइजर हमने फाइंड करना है, रिमाइंडर हमें 3 दिया हुआ है, ये देखो 3 इयर्स रिमाइंडर दिया हुआ है ना। अब हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे, इस नंबर का भी फॉर्मूला है बच्चे, ये देखो डिवाइजर फाइंड करना है ना हमने, डिवाइजर फाइंड करने का फॉर्मूला है डिविडेंड माइनस रिमाइंडर, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर, नीचे क्या है बच्चे क्वोशेंट, देखो डिवाइजर फाइंड करने के लिए हमने ये फॉर्मूले में पुट कर देंगे ये नंबर्स। डिविडेंड क्या है बच्चे हमारा, डिविडेंड क्या है ये देखो 3699 माइनस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या था हमारा, ये जो बच जाता है रिमाइंडर होता ना, ये क्या था हमारा 3 है हमारे पास, और नीचे क्या है बच्चे क्वोशेंट, क्वोशेंट क्या है हमारा 231 आ जाएगा यहां पर, 3699 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 231। अब 3699 से 3 लेस करेंगे तो बच्चे हमारा क्या आ जाएगा 3696, लेस कर दिया हमने यहाँ पर बाय डिवाइडेड बाय 231 डिवाइडेड बाय क्या है बच्चे, अब यहाँ पर क्वेश्चन राइट कर, यहाँ पर फॉर्मूले में क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन है ना 231 डिवाइडेड बाय 231 आ गया यहाँ पर, देखो अब इसको हमने ये तो कर दिया, हमारा यहाँ पे क्या आएगा 3696 डिवाइडेड बाय 231। अभी भी इसको डिवाइड करेंगे, ऐसे ही आंसर नहीं हो सकता ना, आंसर तो क्या है वन नंबर में आएगा, इसको हम डिवाइड करेंगे 231 को 3696 को 231 से डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे 231 पहले वन पे जाएगा, 231 9 माइनस 1 8 6 माइनस 3 3, यहाँ पर क्या रह गया 3 3, यहाँ पर क्या है 3 3 माइनस 2 1 138 आ गया। अब ये क्या है, हम यहाँ पर 6 नीचे ले आएंगे, 6 ले आए यहाँ पर, क्या आ गया 1386 हो गया। अब ये 231 6 पे जाएगा बच्चे, 6 पे क्या आ जाएगा ये 1386। अब यहाँ पे नीचे हमारा कुछ भी नहीं बचा है ना, इसको हमने डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया हमारा 16 क्या है बच्चे हमारा डिवाइजर, हम डिवाइजर निकाल रहे थे ना, 16 क्या हो गया हमारा डिवाइजर, ये देखो हमने ये फाइंड कर लिया, हाँ ये हमने अब 16 क्या डिवाइजर ये फाइंड किया है। अब ये हमारे पास नंबर दिया हुआ था ना, ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा रिमाइंडर था, ये हमारा डिविडेंड था, हमने डिवाइजर फाइंड करना था, ये हमने फाइंड कर लिया। इसको देखो आपको मैंने डिवाइड करने का एक फॉर्मूला बताया था, देखो दो अब ये 3 नंबर्स है ना 231, 3 नंबर्स ही हमें यहाँ से लेने हैं, अब हम क्या करेंगे दो नंबर्स यहाँ से छोड़ देंगे, दो नंबर्स यहाँ से छोड़ देंगे, यहाँ से सिर्फ 1 ये देख लेंगे कि किस पे जाएगा, 2 1 जा 2 2 सा क्या होता है 4 4 क्या है 3 से बड़ा है, तो हम छोटा ही नंबर चाहिए, 2 1 जा 2 इट मीन्स क्या ये 2 पे ही जाएगा, इट मीन्स क्या ये 1 पे ही जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा 231 राइट कर देंगे। सिर्फ हमने ये देखने के लिए किस नंबर पे डिवाइड होगा, अब 231 है ना यहाँ पर क्या आ गया 138, 3 नंबर हमने यहाँ से यहाँ पे 3 नंबर यहाँ पे, दो नंबर यहाँ से छोड़ देंगे, दो नंबर यहाँ से छोड़, यहाँ पर नंबर 4 है बेटा 1386 है ना, यहाँ पर हम क्या करेंगे दो नंबर यहाँ से छोड़ देंगे, दो नंबर यहाँ से छोड़ देंगे 26 जा, या फिर 1 नंबर यहाँ से छोड़ दो और 1 नंबर यहां से छोड़ दो, ये 6 छोड़ दो यहां से और यहां से 1 छोड़ दो 236 जा, या फिर ऐसे भी कर सकते हो 2 नंबर यहां से छोड़ दो, 2 नंबर यहां से लास्ट से ये छोड़ दो, 2 नंबर या लास्ट से ये वाले छोड़ दो,
6 जा क्या होता है बच्चे 12 होता है ना, इट मीन्स क्या है ये 2 6 से 12 होता है, 2 7 जा 14 होता है, अब ये 13 है, इट मीन्स क्या हमें 12 ही चाहिए, छोटा नंबर ही चाहिए ना, तो इट मीन्स क्या ये 6 पे ही जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे 231 को 6 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, जो आएगा वो यहाँ पर हम राइट कर देंगे। 231 6 जो क्या होता है बच्चे 1386। ये मल्टीप्लाई करने का फॉर्मूला है बच्चे, मैंने आपको पहले भी बताया था, उसी तरह से ही आप कर सकते हो। आ गया बच्चे आंसर 16 क्या आ गया हमारा डिवाइजर, आ गया समझ। ये क्वेश्चन करने हैं आपने, फोर्थ क्वेश्चन हम कल करेंगे, ये क्वेश्चंस करके आने हैं आपने, नोटबुक्स में भी राइट करने हैं सारे क्वेश्चंस।